शांति की उपासिका सुषमा जी प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता व सफल नेत्री रही। वे 7 बार संसद का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रहते बेहतर प्रदर्शन किया। आखिरी बार विदिशा से सांसद चुनी गई और देश की विदेश मंत्री बनी। विदेश में रहने वाले लोगों को रेस्क्यू कर 4,000 लोगों को रेस्क्यू कर उन्होंने बचाया तथा कुलभूषण जाधव मामले में उनका शानदार प्रदर्शन रहा है। एक बताते चले आपको कि उनके प्रदर्शन के तौर पर पासपोर्ट शामिल रहा है। पासपोर्ट जल्दी लोगों तक पहुंचे और उसमें कम से कम कागजात लगे, इसकी व्यवस्था सुषमा स्वराज के दिन अदम्य साहस को प्रणाम किया जाता है। भारतीय संस्कृति और संस्कारों का वैचारिक ध्वज प्रवाहित करने वाली श्रीमती सुषमा स्वराज जी का हृदयाघात के कारण आकस्मिक निधन भारतीय संस्कृति के गुरुधाओं के लिए और अनुवर्ती पीढ़ी के लिए एक शुभ का ही नहीं अविस्मरणीय विषय है और उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्होंने जो रास्ता जैसे अटल बिहारी जी ने यूएनओ में जाकर के हिंदी में वाचन किया था, उसी तरह सुषमा जी ने भारतीय संस्कृति और संस्कारों की छाप विदेश मंत्री के रूप में पूरी विश्व के वक्ष पर अंकित की है। काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में उनकी उपस्थिति थी विदेश मंत्री के रूप में। मैं उनकी आत्मा के लिए परमात्मा में लीन होने की अनंत कामनाओं के साथ सन 2010 की बात है, देहरादून में। उस समय भाजपा की सरकार थी उत्तराखंड में और देहरादून में सुषमा स्वराज को आना था। उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थी, वो आई और लोगों का सवाल था कि क्या निशंक सरकार यहाँ से जा सकती है या बदलाव होगा। तो उन्होंने कहा, उन्होंने निशंक को बुलाया और पीठ थपथपाया, बोला मैंने 100 नंबर दे दिया है, अब आपकी बारी है, मतलब मीडिया अब इसको बताए कि क्या करना चाहिए। और हुआ भी यही, खचाखच प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग भरे हुए थे और सुषमा स्वराज के जाते ही सरकार गिर गई। कितनी बारीकियों से उन्होंने वाकपटुता से जवाब दिया उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। और सुषमा स्वराज केवल भारत की पहली महिला विदेश मंत्री, पहली दिल्ली की मुख्यमंत्री, हरियाणा के सबसे, पूरे देश के सबसे कम उम्र की कैबिनेट मिनिस्टर, पहली महिला पार्टी प्रवक्ता, पहली नेता प्रतिपक्ष महिला, सारी रिकॉर्ड्स उनके नाम थे और कई जगहों से वो रही। दर्शक, श्रीमती सुषमा स्वराज जी का निधन पार्टी और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। पूर्व में मुख्यमंत्री रहीं दिल्ली की और विदेश मंत्री रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे देश का मान और गौरव बढ़ा। उनके निधन पर मैं शत शत नमन करता हूँ। आज हमारे देश ने एक ऐसे महान नेता को खोया जिसने 377 की धारा से लेकर के भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति की छाप पूरे विश्व में स्थापित करने में विदेश मंत्री के रूप में भी जिन्होंने काम किया, ऐसी नेत्री आज हमने खोई। सर्व ब्राह्मण महासभा उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती है।